ये देखिए इधर से दिखाते हैं ऊपर, इस साइड से देखिए, देखिए इधर सामने से दिखा रहा हूँ आपको, सामने से ये चीज़ देखिए। नमस्कार मित्रों, की नई वीडियो में फिर स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में आपको दिखाने वाले नमो घाट फेज टू यानी नाइट व्यू। आपने काफ़ी डिमांड किए थे कि नाइट व्यू दिखाइए नमो घाट फेज टू का, तो चल चलते हैं आपको नाइट व्यू दिखाते हैं नमो घाट का। कोई स्पेशल लाइट तो नहीं है फिर भी, लेकिन जो भी है लेकिन दिखाऊंगा फिर हल्के आपको क्या तैयारी चल रही है। मोदी जी का आगमन 17 दिसंबर को यहाँ पे आगमन है उनका, जो पिंपरा वहाँ पर भी तैयारी चल रही है, जहाँ हेलीपैड है वहाँ पर स्टेज वगैरह बनाया जा रहा है। चल चलते हैं आपको दिखाते हैं कितना काम हुआ है, वीडियो बनेगा नाइट व्यू दिखाते हैं कहाँ तक पूरा काम हुआ है। और डेट की बात करें आज है 10 दिसंबर, कल चलते हैं पूरा दिखाते हैं आपको। तो देख सकते हैं कि यहाँ में तैयारी क्यों चल रही है, 10 तरीके से चल रही है। ये पूरा रास्ता देख सकते हैं कि बना दिया गया है एकदम फाइनल तरीके से। यहाँ पर कलर वगैरह भी लगाया गया, पेंट भी किया गया है, जिससे सुंदरता और बढ़ गई है। ये देखिए यहाँ से बात दिखा देना आपको, रीपेंट किया गया है, पूरे जाले वगैरह लगा दिया गया, तो क्या अनावश्यक लोग इधर उधर न कर सकें इसलिए। तो जैसा था इसमें कितना क्राउड है, संडे है ना, संडे को देखिए कितने क्राउड है इस समय नमो घाट पे। जैसा लग रहा है मेला, वैसे हर दिन मेला लगता है लेकिन आज संडे कुछ ज़्यादा ही भीड़ होती है। देखिए आपको सामने से दिखा रहा हूँ, बस एक दो दिन में घाट यहाँ बंद हो जाएगा। ये देखिए सामने जूम होकर दिखा दे रहा हूँ एक बार, देखिए यहाँ पे। चलिए चलते हैं यहाँ से आगे दिखाते हैं आपको। ये देखिए पूरा इधर भी पेंट वगैरह पूरा किया गया है, इधर साइड में भी कहीं यहाँ भी पार्किंग सुविधा होगी, गाड़ी वगैरह खड़ी होगी। यहाँ पे भी लाइटें वगैरह चालू नहीं हुई हैं, हो सकता है कुछ जो भी हो। आगे स्टेज बनाया जा रहा है, चलिए दिखाता हूँ चल के। देखिए ये देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया बनाया गया, ये पेड़ किस शेप में किया दिया गया है, यहाँ पर कितना खूबसूरत लग रहा है ये चीज़। चलिए आपको दिखाते हैं, ये 50 करोड़ लागत से बनाया गया है घाट, और इसमें आपका रेस्टोरेंट है, विसर्जन कुंड है, तीन हेलीपैड है वो बनाया गया है। ये भाई साहब ये ड्रेनिंग देख रहे हैं नीचे झाँक के क्या चीज़ है ये। चलिए पास दिखाता हूँ, बोले इधर ये वाला भी घाट, इधर भी लोग आए घूमने के लिए, बस लाइट ही नहीं चालू हुआ है यहाँ पर। ये विसर्जन कुंड है, यहाँ पे माला फूलों से मूर्ति विसर्जन होगा, यहाँ पे फेंका जाएगा, यहाँ पे माला फूल से लोग बाहर फेंकते थे, अंदर यहाँ फेंकेंगे। देखिए सामने वहाँ पे पार्किंग सुविधा रहेगी गाड़ी खड़ा करने के लिए, इधर पेड़ पौधे लगाए गए हैं जो कि देखने काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए चलते हैं यहाँ से हम लोग आगे एकदम, इधर भी देखिए पेड़ पौधों का ध्यान रखा गया है, यहाँ पे पेड़ भी नहीं काटे गए हैं, सारे ध्यान रखा गया है पेड़ों का भी। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं सीधे आगे हेलीपैड की तरफ, इस साइड के पहले दिखा दें फिर चलते हैं आपको आगे हेलीपैड की तरफ, साइड दिखाते हैं। अभी और भीड़ों की दिखेगा यहाँ पे, अभी तो नहीं भीड़ है, पूरी तरह से उद्घाटन हो जाएगा तो लोग और लोग इधर आएंगे। इधर भी देखिए यहाँ पे भी पेड़ पौधे लगाए गए हैं एकदम, इधर भी पौधों का ध्यान रखा गया है। ये देखिए यहाँ से ये आपका कैफेटेरिया है, यानी जलपान। ये चलते चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ये आपका यहाँ पे भी जैसा देख सकते हैं कि इधर भी अपना गार्डन एरिया टाइप का बना दिया गया है, इस साइड में भी। संडे को काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, चलिए चलते हैं आगे हम लोग यहाँ से। ये है साई नाला, देखिए यहाँ पे लाइटें चालू हो चुकी हैं एलईडी।
चलिए चलते हैं यहाँ से, आपको नाइट व्यू दिखाते हैं इधर का। इधर लाइटें नहीं चालू हुई, इधर के साइड लाइटें चालू हो चुकी हैं, यहाँ की LED लाइट लगाई गई है। यहाँ पे फर्श कितना बढ़िया बनाया गया है यहाँ पे आने जाने के लिए। एक बार लोग कहें कि हाँ विकास हुआ है बनारस में, जो लोग नहीं कह रहे हैं विकास नहीं, और देखिए उनके लिए ये देखिए यहाँ पे भी पेड़ पौधे लगाए गए इस साइड में भी। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से आगे, इधर भी देखिए ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है पानी निकलने के लिए। ये सब भी नया पेंट किया गया है इस साइड में। ये देखिए यहाँ से बड़ा खूबसूरत लग रहा है, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लग रहा है आपको ये चीज़। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से आगे एकदम। अभी देखें यहाँ पे काम जारी है, काम हो ही रहा है यहाँ पे, वेल्डिंग वगैरह थोड़ा सा हो रहा है, थोड़ा बहुत तो काम बचा हुआ है यहाँ पे। अब चलते हैं यहाँ से हम लोग आगे एकदम। अभी यहाँ पे एक पट्टी बनाई गई, इसे पेंट किया गया है यहाँ पे। ये सामने देखें एडमिनिस्ट्रेटर हॉल बनाया गया है। ये देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है ये चीज़ यहाँ से एकदम, ज़बरदस्त तरीके से लग रहा है एकदम ये चीज़। कमेंट बॉक्स में कमेंट जो बताइए कैसा लग रहा है आपको ये चीज़। ये देखिए यहाँ से वाइट एंगल से दिखा रहा हूँ एक बार, देखिए ये VIP हॉल तरह से बनाया गया है। देखिए यहाँ पे भी थोड़ा काम चल रहा है, अभी सब सीमेंट बालू जो हटाया जा रहा है पूरा। चलिए चलते हैं आपको इधर दिखाते हैं एक बार, इस साइड में चल के पहली बार फिर से दिखा देता हूँ कितना अच्छा लग रहा था पेंट किया गया इसमें। तो इधर भी लोग आ गए यहाँ पे घूमने उमने के लिए। ये देखिए इधर जो काम चल रहा है एक बार दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से एक बार घुमा के दिखाता हूँ, एक अजीब बनाया गया है, इसमें लाइटें वाली चालू हो चुकी हैं, इतना खूबसूरत लग रहा है ये चीज़। वाइट एंगल दिखाता हूँ आपको, वाइट एंगल देखिए चलिए आपको एक बार इसमें से दिखाता हूँ, ये लाइटें जैसे चालू हुई हैं ये देखिए। ये देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत ये चीज़ लग रहा है, सेल्फी लोग लेने लगे यहाँ पे पहले ही खड़े होके। ये देखिए इधर से दिखाते हैं ऊपर, इस साइड से देखिए जस्ट वहाँ पे सामने स्टेज लग रहा है, दिखाता हूँ चल के। ये देखिए इधर भी देखिए पूरा यहाँ से घुमा के दिखा दे रहा हूँ। तो ये जैसे देख सकते हैं आप इधर एक अजीब बनाया गया है, जो कि कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में ये चीज़। चलिए चलते हैं यहाँ से आपको आगे दिखाते हैं चल के। लाइटें वगैरह चालू हो चुकी है, मोदी जी का आगमन जो है 17 तारीख को, देखिए यहीं पे पूरा प्रोग्राम चलेगा यहाँ पे। चलिए पास से दिखाते हैं, देखिए मोदी जी का जो आगमन है यहीं पे देखिए इनका प्रोग्राम 17 तारीख को है, 17 तारीख को देख रहे हैं 10 तारीख की तैयारी चल रही है यहाँ पे इस समय। ये देखिए यहाँ से देखिए चले दिखा देता हूँ थोड़ा पास से आपको चल के। ये देखिए यहाँ पे इधर भी पूरी, ये देखिए देख रहे ना इधर तैयारी के बदल सकते हैं, इधर देख सकते हैं इधर पूरा बनाया जा रहा है यहाँ पे, देख सकते पूरा एकदम। इधर भी पूरा स्टेज वगैरह लगाने के लिए आ चुका है ये, जैसा कि देख रहे हैं आप इधर
एक बार पास देख लीजिए, तो देखिए ये चीज मोदी जी का आगमन है। ये पूरा उनके लगाने के लिए आया है, पूरा स्टेज लगाने के लिए आया है। 17 तारीख को पीएम मोदी जी का आगमन है यहाँ पे। ये देख रहे हैं गाड़ी वगैरह पूरा आया लगाने के लिए यहाँ पे। तैयारी जो है जबरदस्त तरीके से चल रही है यहाँ पे इस समय। ये सामने देखिए इधर, पूरा बनाया जा रहा है स्टेज। जयमन हैंगर द्वारा बनाया जा रहा है पूरा। ये देखिए इधर भी देख रहे हैं, पूरा यहाँ से लेकर पूरा आगे तक पूरा लगाया जा रहा है, एकदम काफ़ी बड़े में एकदम बनाया जा रहा है। ये देखिए इधर भी बना रहे भैया। ये जबरदस्त तरीके से विकास चल रहा है एकदम। ये देखिए यहाँ से और सामने देख सकते हैं गेट, जैसे बताया था हम गेट बना लगा दिया गया, क्या ऐसा कोई इधर से कोई आ नहीं जा सके। और पेंट भी किया गया, ऐसे लाइव वीडियो बनाया था, पेंट नहीं होता था, पेंट भी किया गया जाता था इधर। ये देखिए यहाँ से देखिए, इधर सामने से दिखा रहा हूँ आपको, सामने से ये चीज़ देखिए। तो चलिए यहाँ भैया मिले हैं, यहाँ से पहले पूछते हैं यहाँ से। भैया ये बताइए, ये विकास आप कभी अपने देखा, ऐसा विकास हुआ था बनारस में कभी? हमें तो लगता है अगर मोदी जी नहीं आते तो शायद ऐसा विकास होता भी नहीं। हमारे बेस्ट पॉलिटिशियन में से एक योगी जी हैं और एक मोदी जी हैं। अगर इन लोग को देखते हैं तो एक हौसला बढ़ता है कि हाँ देश में कुछ उन्नति होगी, कुछ सहयोग ऐसा होगा कि जो आम लोगों से ले कर खास लोगों तक पहुँच रहे हैं। और इतना अच्छा वर्क हो रहा है कि मैंने आज तक तो कभी अखिलेश जी के और किसी भी सरकार में ऐसा नहीं देखा है। हमारा दुकान है शंकर वचन साइड, उधर इतना धूल मिट्टी उड़ता था, आपको बता रहे 2014 के बाद एकदम धूल मिट्टी नहीं उड़ता था, पर्दा लगाकर हम लोग बैठते थे, सारी चीज़ें हट गई हैं। और इस घाट पे इस घाट के बारे में क्या कहेंगे जो बंद के बारे में लोग कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा है, अब इसके लिए क्या कहेंगे जो विकास हो रहा है? जिनकी आँखें बंद है उनको नहीं दिखेगा, ठीक है ना, उनको वही दिखेगा जो अलग जिस पार्टी के हैं वो उद्योग दिखा रहे वही दिखेगा। लेकिन सच में जो देशभक्त या देश में रहता है उनको जरूर विकास दिखेगा। कहाँ विकास नहीं हो ये बता दीजिए, हमने तो देखे गली गली में जो है विकास हुआ 2014 के बाद, और इस चीज़ से बहुत खुश है। और हम तो बता रहे हैं, मैं तो क्या मेरे घर वालों को ज़बरदस्ती भी कहता हूँ कि अगर वोट जाना चाहिए तो सिर्फ मोदी जी को ही जाना चाहिए। आज भी यही सोचते हैं कि कम से कम अगर वो थोड़ी उनकी उम्र कम होती मोदी जी की तो ये बहुत अच्छी बात होती। अच्छा, इस घाट पे आप खड़े हैं, कैसा लग रहा घाट आपको? बन गया इस घाट के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? हम आपको बताते, कभी घाट पे कभी विश्वनाथ मंदिर में जाना हमको अच्छा नहीं लगता था। जब से विश्वनाथ मंदिर और ये घाट बन गया है तब से हमें उधर के घाट में छोड़िए, हम ज़्यादा घाट इधर ही आते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे जो खुला वातावरण जैसा भी बना है। सच में लोग कहते ना भव्य बना है। अच्छा, यहाँ पे तीन हेलीपैड बना है, यहाँ पे आने वाले समय में काशी से मतलब अयोध्या अभी भी के लिए भी लोग जाएंगे, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उसी का तो इंतजार है कि हम तो सोचते हैं कि कब हेलीकॉप्टर का अगर मौका मिलेगा तो पहले हम ही जाएंगे। हमको ये निश्चित है क्योंकि पहले से हम व्यवस्था बना के रखे, अगर मौका मिला तो पहले तो हम ही। अच्छा, लास्ट में मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे आप? लास्ट में मोदी जी को ऐसा कहना चाहेंगे कि उनकी उम्र थोड़ी कम भगवान कर दे, मतलब एज उनकी बहुत तेजी, मतलब अब उम्र हो गया है, कितना भागा दौड़ी करेंगे, लेकिन उनको इतना तंदुरुस्त रखे कि आने वाले 10 साल और वो जो है राज करे देश को। नारा हो जाए भैया, हर हर महादेव। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? वेद प्रकाश। वेद प्रकाश, चलिए एक बार इधर दिखा देता हूँ एक बार आपको, इस साइड से भी जो तैयारी चल रही है मोदी जी का आगमन की नमोघाट पे। और आपने बोला था कि लाइटें चालू होगी, लाइटें दिखाई, पूरा फाइनल आपको लाइटें दिखा रहा हूँ यहाँ से। जबरदस्त तरीके से प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम की तैयारी यहाँ पे, फेज 1 फेज 2 दोनों उद्घाटन हो जाएगा। प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारी चल रही है यहाँ पे।
17 दिसंबर को आगमन है उनका, जो कि नमो घाट का उद्घाटन करेंगे। चलिए पास दिखाता हूँ आपको, ये देखिए कहाँ जा रहा है इसको, और देखिए पूरा लगाया जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे खिदाई काम चल रहा है सामने इस समय। ये देखिए हेलमेट और कितना मस्त लग रहा है, ये लाइटें वगैरह लग गई इसमें भी, तो देख सकते हैं इधर के भी लाइटें चालू हो चुकी हैं। ये देखिए पूरा घुमा के दिखा दे रहा हूँ, ये तो लोग आ रहे हैं आराम एकदम। ये भाई जैसे देख लीजिए एक बार, क्योंकि जब आया था तो लाइट इधर से चालू नहीं हुई थी, देखिए इधर से ये पूरा चालू हो चुका है। देखिए यहाँ से मस्त लग रहा है, देखिए इधर भी चालू हो गया है। सेल्फी लोग ले रहे खड़े हो, तमाम लोग सेल्फी ले रहे खड़े होके। चलिए बाकी आपको इधर से घुमा के दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए इधर से ये पूरा आने का रास्ता रहेगा, पूरा आने आने के लिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ से एक बार। तो चलिए वीडियो में समाप्त करते हैं, उम्मीद है वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कि नए वीडियो तक, जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।